नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नमस्ते ट्रंप को लेकर दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया आ रही है। एक बात तो श्योर है कि ये शो बहुत ज़्यादा हिट रहा है, दुनिया भर की मीडिया ने इसे कवरेज किया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्लोबल टाइम्स ने जो चाइना का मुखपत्र है उसने क्या कहा है, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने क्या कहा है, और खासकर जो यूरोपियन और ब्रिटिश न्यूज़पेपर है उनका, और अमेरिका के जो CNN और फॉक्स हैं जो हमेशा एक तरीके से एंटी इंडिया स्टांस रहा है, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स या टाइम्स पत्रिका का, उन्होंने इसे कैसे इंटरप्रेट किया है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की पब्लिसिटी बहुत हुई है इस दौरे से। भले ही जो लोग कह रहे थे कि जी ये दौरा तो बस ऐसे ही हो रहा है ट्रंप की एक तरीके से छवि दिखाने के लिए, ट्रंप यहाँ पर अट्रैक्ट करने आए इंडियन वोटर्स को, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है। उन्होंने जिन्होंने इस बात को सोचा है वो इस दौरे को बहुत ही छोटे कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्यों? इन जो न्यूज़ रिपोर्ट्स को मैं आपको बताऊंगा, आप उनसे समझ जाएंगे कि भारत को कितनी पब्लिसिटी मिली है। एक साइकोलॉजिकल तौर पर जो अमेरिका की बैकिंग है वो भारत को दिखी गई है, और इस तरीके से खासकर जो ग्लोबल टाइम ने रिपोर्ट छापी है ना, वो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उन्होंने एक तरीके से ये कहा है कि चीन को अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। तो चलिए पूरी डिटेल से हम बात करेंगे इन पूरी रिपोर्ट्स पर, और आपको एनालिसिस पूरा मैं दूंगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को स्टॉप चैनल पर पहली बार आए तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स पर न्यूज़ के लिए जो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं कवर होती उनको यहाँ पर मैं कवर करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अमेरिकी न्यूज़पेपर से। अमेरिका के जो न्यूज़पेपर है खासकर वाशिंगटन पोस्ट ने तो कुछ ज़्यादा छापा नहीं है, एक छोटा सा कॉलम था बस वो छाप दिया, बस यही कहा कि एक दौरा है ऐसे, बिल्कुल जो नॉर्मल न्यूज़ है ऐसे ही किया। लेकिन बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स की, जो एंटी इंडियन स्टांस रखता है, खासकर कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी। उन्होंने एक तरीके से ये दिखाया है कि जो पिछले सोवियत यूनियन के और अब तक, एक उन्होंने तो बाकायदा रिपोर्ट छापी है कि इंडिया और US के रिलेशन कब कब से कैसे रहे हैं सोवियत यूनियन से लेकर अब तक, और उस पर उन्होंने पूरी डिटेल से बताया है, आप उसे जाकर पढ़ भी सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम की वेबसाइट पर। लेकिन जो खासकर इस दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि ये दौरा, खासकर उन्होंने हथियारों के बारे में कहा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच बिल्ड हो रही है, यानी कि उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। बात कर लेते हैं हम दूसरे को न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर क्या, एक न्यूज़ मीडिया संस्थान CNN की। CNN खासकर एंटी डोनाल्ड ट्रंप और एंटी इंडिया तो पहले से रहा है। उन्होंने कहा है कि दोनों नेता एक तरीके से खुद में ऑटोक्रेसी है, इस तरह के दोनों की यानी क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है, लेकिन ये कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को लेकर उन्होंने पॉजिटिव दिया है, लेकिन दोनों नेताओं को लेकर ट्रंप और मोदी कॉम्बिनेशन को कहा कि इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला ये दोनों, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत तेज़ी से सुधर रहे हैं, दोनों देश अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देखते हैं अगेंस्ट चाइना। यानी दौरे को उन्होंने दोनों देशों के लिए अच्छा बताया, लेकिन इनकी आलोचना फिर भी कर दी दोनों नेताओं की। बात कर लेते एक और न्यूज़पेपर की, ब्रिटिश हेराल्ड, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, खासकर BBC, दोनों ने इसे अच्छे से इंटरप्रेट किया खासकर, लेकिन BBC ने इसे थोड़ा कश्मीर से जोड़ लिया, दूसरी चीज़ों से जोड़ लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर कुछ नहीं कहा, ऐसी चीज़ें उन्होंने कही है, लेकिन जो ब्रिटिश हेराल्ड ने उन्होंने इसे बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया। मतलब कि सबसे अच्छा मुझे ब्रिटिश हेराल्ड का ही लगा, उन्होंने कहा कि कम से भले इस दौरे पर कम समझौते साइन हो रहे हों, लेकिन दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो बहुत बिल्ड होगी, खासकर दुनिया में एक संदेश जाएगा कि अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट करता है भारत को। भले ही इसमें टेक्निकल तौर पर कितनी सच्चाई है इस बात को हम अलग रख दें, लेकिन अगर दुनिया भर के देश भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें लगेगा कि अमेरिका इससे नाराज़ हो सकता है, यानी कि इस दौरे की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। ये सबसे अच्छा लिखा है। अब आ जाते हैं चीनी न्यूज़पेपर पर, जो खासकर जिसके लिए मतलब मैंने वीडियो स्पेशल बनाई है, ग्लोबल टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी है उन्होंने क्या कहा है कि इससे सतर्क हो जाना चाहिए अब जब चाइना को, क्योंकि भारत और अमेरिका अब बहुत एग्रेसिव होंगे जो दक्षिण चीन सागर में, और अमेरिका चाहता है कि भारत दक्षिण चीन सागर में चीन के आसपास अपनी जो मजबूत है उसे मजबूत करे। खासकर उन्होंने कहा है कि जो भारत को MH-60 हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन नेवल हेलीकॉप्टर है, ये सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि चीन की नेवी के खिलाफ भारत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, भारत को अगले आने वाले 5 से 10 सालों में अमेरिका मिलिट्री बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाला है, अपने सबसे बेहतरीन हथियार भारत को बेचने वाला है। साथ ही ये भी कहा है कि भारत, हालांकि उन्होंने जो हमेशा कहते हैं कि भारत ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली ना बने, मतलब कि इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही है, और ये भी कहा है कि भारत और चीन अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ये बात उन्हें तब सोचनी चाहिए थी कि जब चीन बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारत का विरोध करता है, तो ये बात उन्हें तब सोचनी चाहिए कि चीन और भारत दोस्त बन सकते हैं या नहीं। भारत की एक जो बेहतरीन डिप्लोमेसी है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि जी भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से लोहा मनवा लिया है अपना, मतलब कि अमेरिका और रूस को एक साथ लाने का जो प्लान था इसे असली तरीके से भारत ने एग्जीक्यूट किया है। दूसरी तरफ अब जा थोड़ा बात करते हैं यूरोपियन न्यूज़पेपर्स की, खासकर यूरोपियन टाइम्स ने एक बढ़िया न्यूज़ छापी है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने यही कहा है कि भारत की डिप्लोमेसी का लॉ सबने माना है, खैर ये तो बात है अपने अपने न्यूज़पेपर्स में, कि भारत दुनिया का वाहिद एक मुल्क है
जो अमेरिका और रूस को एक साथ साध रहा है। चीन ने भी ये करने की कोशिश की थी, जिन्हें नहीं पता सन 1990s में दोनों देशों को एक साथ लाने की, एक साथ दोनों के साथ मजबूत संबंध रखने की अमेरिका चीन ने कोशिश की, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली फेल रहे थे। और यही कारण था कि पहले उनके अमेरिका के साथ संबंध अच्छे थे, फिर रूस के साथ संबंध अच्छे हो गए। जी हाँ, और इस चीज़ को भारत की एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इस पूरी वर्ल्ड, खासकर पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में, हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान ने ज़्यादा में कुछ कह नहीं सकते थे, सिर्फ जो डॉन न्यूज़ है उनका, बहुत फेमस न्यूज़ है डॉन, उन्होंने कहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने 1,10,000 लोगों, 1,10,000 लोगों के सामने कह दिया कि भारत, जो पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध मजबूत है। उन्होंने इस एक लाइन को छाप दिया है बस। उन्होंने आगे जो कहा कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो आतंकवादी हैं उन पर उन्होंने, उनका कोई खास जिक्र नहीं था, लेकिन छोटे छोटे कॉलम में से छापा गया है। लेकिन इतनी ज़्यादा चर्चा, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अगर मैं डीप में बताऊं कि पाकिस्तान में इसे लेकर कितना, खासकर पाकिस्तान में खौफ का माहौल तो थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि भारत को जो उन्होंने डिफेंस सिस्टम बेचने की बात कही, फ्यूचर में UAV ड्रोन बेचने की बात कही है, प्रीडेटर ड्रोन बेचने की बात कही है, ये खतरनाक हथियार भारत को देने की बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही है, इसको लेकर वहाँ की मिलिट्री में भी थोड़ा खौफ है और वहाँ के लोगों में भी कि अमेरिका अगर भारत को इतना ताकतवर बना देगा तो भारत क्रश कर देगा पाकिस्तान को। और इस चीज़ को लेकर बहुत सारे पॉइंट आउट किए गए हैं पाकिस्तान के छोटे छोटे मीडिया संस्थान में। जो बड़े मीडिया थे उन्होंने तो खैर अपने देश की वाहवाही करी, जो हमेशा होता है। तो दोस्तों फिलहाल तो इन सभी रिपोर्ट से ये निकल कर सामने आता है कि भारत का ये दौरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हाँ, भारत में भी एक अच्छी रिपोर्टिंग हुई इसकी, खासकर दुनिया भर में एक संदेश गया है। साइकोलॉजिकल संदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है, भले इससे हमें सिर्फ कुछ ही समझौते साइन कर पाए हों, लेकिन एक समझौता तो क्या है कि भारत और अमेरिका अब बहुत तगड़े अलायंस बना चुके हैं। और रूसी मीडिया में भी इसे अच्छी तरीके से इंटरप्रेट इतना ज़्यादा नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और वहाँ पर इतनी, खासकर जो रशियन न्यूज़पेपर एक RT, आपने नाम भी सुना होगा, तो उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें दिखाई गई, ज़्यादा बड़ा उसमें कुछ खास नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, जैसे इसके बारे में मैं एक पार्ट 2 भी बना दूंगा अगर कुछ और इससे निकल कर आते, क्योंकि दौरा अभी भी चल रहा है, तो जैसे ही ये दौरा खत्म होता है उसके बाद क्या परस्पेक्टिव सामने आता है दुनिया भर का, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो देखने के बाद आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।